ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया और अब पाकिस्तान के चांसेस बढ़ गए हैं कि न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस हारे और पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जीते तो सेमीफाइनल खेल सकता है। ऐसी बातें बहुत से व्लॉगर कर रहे हैं और ये मैंने भी देखी हैं और आपने भी देखी हैं, मगर इसमें हकीकत नहीं है। इसमें हकीकत क्या है और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक कैसे पहुँच सकता है और क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच भी सकता है या नहीं, इसके ऊपर हम आज का व्लॉग करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं PakTV.tv। दोस्तों, सबसे खास बात करते हैं कि बहुत से लोग इस कैलकुलेशन में कैसे लेके आ रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा, जबकि पाकिस्तान टेबल के ऊपर छठे नंबर पर मौजूद है। हम रेस ले रहे हैं, हमें लग रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में ही पाकिस्तान कहीं फंसा है, कि उनमें से ही कोई नीचे गिरेगा तो पाकिस्तान ऊपर आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये देखें कि पाँचवें नंबर पर श्रीलंका भी खड़ा है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि न्यूजीलैंड सारे मैच हार जाए तो जाहिर है वो श्रीलंका से भी अपने मैच हारेगा। मैं श्रीलंका टीम के भी बाकी मैचेस निकालूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या है, बट एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूं जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पाकिस्तान के नीचे खड़ा है अफगानिस्तान जो सातवें नंबर पर है, मगर उसने पाकिस्तान से एक मैच कम खेला है और दो जीत उसके नाम भी हैं। पाकिस्तान छः मैचेस जीत के दो जीता है, वो पाँच मैच जीत के दो जीता है। फॉर इंस्टेंस, मैथमेटिकली अगर अफगानिस्तान अपने सारे मैचेस जीत जाता है तो क्या होगा? तो दोस्तों, चलते हैं हम उसके ऊपर कि श्रीलंका के क्यों मैं कह रहा हूँ कि वो भी एक एक्सपेक्ट है। अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस हार जाए, साफ है फिर न्यूजीलैंड हारे श्रीलंका से भी हारे, और अगर वो श्रीलंका से हारता है श्रीलंका ऊपर आएगा। कैसे? श्रीलंका ने खेलना है अफगानिस्तान के खिलाफ, अपेरेंटली श्रीलंका जीत सकता है। श्रीलंका ने इंडिया के खिलाफ खेलना है, इन चार मैचेस पड़े हैं उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेलना है, टफ है बट मैथमेटिकली बात हो रही है ना, वो इंडिया को भी हरा सकते हैं। फिर उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, उनको भी हरा सकते हैं। फिर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को भी हरा दे। ओके, हार गया, उसके बाद श्रीलंका ऊपर आएगा। भाई पाकिस्तान कैसे आएगा ऊपर? फिर श्रीलंका ऊपर आएगा, ऑफ कोर्स, सिंपल। पाकिस्तान श्रीलंका के पास अभी चार मैचेस पड़े हैं, पाकिस्तान के पास तीन पड़े हैं। अगर आप इस कैलकुलेशन के ऊपर आ रहे हैं कि न्यूजीलैंड सारे मैच हार जाए, साफ है वो श्रीलंका सारे मैच जीते तो फिर श्रीलंका का चांस बन जाएगा, क्लियर। तो फिर अगर न्यूजीलैंड को हम बाहर निकाल भी दें, जो कि मुझे लगता है कि आज जैसे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है तो ये ज्यादती होगी न्यूजीलैंड के साथ कि आप उस तरह का सोचें भी। वो बड़ा तगड़ा मैच खेला, वर्ल्ड कप का सबसे तगड़ा मैच मुझे लगा कि आज है, इतने बड़े रन के बाद भी फाइटिंग टीम के साथ खेली है। आई नो कि सबको मालूम है कि 90% पाकिस्तान की गेम खत्म हो चुकी है वर्ल्ड कप में, सब मैथमेटिकली ही बोल रहे हैं, तो मैं भी उसी मैथमेटिकली ही मैं जवाब दे रहा हूँ। आई नो कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर नहीं होगा, सब जो भी क्रिकेट को देखते हैं कवर करते हैं उन सबको मालूम है वो सेमीफाइनल तो पहुँचेगा पहुँचेगा, बट हम उस कैलकुलेशन के ऊपर आ रहे हैं जिसके ऊपर सब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक कैसे पहुंच सकता है। सब कैलकुलेशन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सबको करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान आज जहां खड़ा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान टीम है और कोई नहीं है। खुद का बुरा खेला और फैंस हर मैच के बाद यही कैलकुलेशन, और हमेशा पाकिस्तान के साथ ही होता है कि वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान टीम पहुँचती है आधा ख़त्म नहीं हुआ होता, पहले कैलकुलेशन शुरू हो जाती हैं, वो हार जाए ये जीत जाए, वो कर दे ये कर दे, आखिर में आके बाद जब यहाँ पर आती है ना कि पाकिस्तान को अपने सारे जीतने, तो वहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। क्योंकि पाकिस्तान को सारे जीतने के लिए पाकिस्तान को इंग्लैंड को भी हराना है, पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को भी हराना है और बांग्लादेश को भी हराना है। आप टेक्निकली जो पाकिस्तान जैसा खेल रहा है, आप समझ लें कि हम बांग्लादेश के खिलाफ जीत जाएं, बट वो भी मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है तो 300 सवा 300 अगर उन्होंने कर दिए तो हमें उसमें भी लेने के देने पड़ जाएंगे। और फिर इंग्लैंड बहुत 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 कमज़ोर खेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इंग्लैंड भी हमें हरा सकता है, ऐसा नहीं है। तो पहले पाकिस्तान के तीन जीतने हैं, उस पर मैं मान लेता हूँ कि फर्ज़ के हम तीनों जीत भी लेते हैं, मगर आप कैलकुलेशन कैसे भूल रहे हैं? अभी इंग्लैंड ने पांच मैच खेले हैं, चार मैच उनके भी पड़े हैं, पांच में से एक वो भी जीता हुआ है, तो अगर वो चारों मैचेस अपने भी जीत जाता है तो उनके भी पांच मैच हो जाएंगे जीत के एतबार से, वो भी 10 पॉइंट के साथ होगा। अगरचे उनकी रैंकिंग बहुत नीचे है बट मैं मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले बांग्लादेश आया, अगरचे वो अपना आज का मैच खेल रहा है जो भी उसका रिजल्ट आएगा इसलिए उसकी हम बात नहीं करते। फिर अफगानिस्तान है, पाँच मैच खेले हैं, दो जीते हैं, चार वो भी जीत जाते हैं, 10 पॉइंट उनके भी हो जाते हैं। मैं 10 पॉइंट पे इसलिए आ रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर तीन जीत जाता है, छः और दो रैली जीता हो, तो पाकिस्तान के भी 10 पॉइंट बनेंगे और पॉइंट्स और रैंकिंग में पाकिस्तान भी कोई ऊपर नहीं खड़ा है, पाकिस्तान छठे नंबर पे खड़ा है और नीचे अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान इसलिए नीचे है कि उसने एक मैच पाकिस्तान से कम खेला है, अगर वो अपना मैच अगला जीत जाते हैं पाकिस्तान से ऊपर आ जाएंगे। और फिर आप इस चीज़ को कैसे भूल रहे हैं कि न्यूजीलैंड सारे मैच हारता है तो श्रीलंका जीतेगा, क्योंकि उनका श्रीलंका के साथ मैच है, फिर श्रीलंका ऊपर आएगा। कहने का मतलब ये है कि सीन ऑन है, मैथमेटिकली सीन ऑन है चौथी टीम के लिए कि सेमीफाइनल में चौथी टीम कौन सी पहुंचेगी। बज़ाहिर अब लग रहा है कि साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मगर चौथी टीम की लड़ाई हो रही है और उसके लिए पाकिस्तान को लोग मतलब अच्छा दावेदार बना रहे हैं, बट मुझे लगता है कि वो शायद तीसरा या चौथा दावेदार है। पहला तो न्यूजीलैंड है, फिर श्रीलंका भी है जो पाकिस्तान से ऊपर खड़ा है भाई। और मैं तो अफगानिस्तान जैसा खेल रहा है, उसने पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, नो वन नोस, वो किसी को भी हरा सकता है, नॉट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको खेलना है। बट पॉइंट इसके भाई मैथमेटिकली जाना है तो फिर बाकी टीमों को भी मैथमेटिकली देखें,
जो सेकंड लास्ट में इंग्लैंड खड़ा है उसको भी चार मैचेस बाकी हैं, वो भी सारे जीत गया। तो कहानी ये है कि पाकिस्तान का चैप्टर क्लोज है, काफ़ी हद तक क्लोज है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों को मैथमेटिकली मैं ऊपर ला रहा हूँ, पाकिस्तान को मैं चाह रहा हूँ कि नहीं हो, बट मुझे लगता है कि जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ टीम पाकिस्तान खड़ी है उनका जितना बहुत मुश्किल है। और आई बींग पाकिस्तानी इवन मैं समझ रहा हूँ कि ये न्यूजीलैंड के साथ शायद अब ज्यादा हो, जितना तगड़ा वो खेल रहा है कि आप सोचें कि वो बाहर हो जाए और हम आगे चले जाएं, वर्ल्ड कप का मज़ा नहीं होगा। पाकिस्तान डजंट डिजर्व टू बी इन सेमी फाइनल एक्चुअली, जिस पूरे के साथ हम खेले हैं। आई नो इट्स रियली हार्श बट दिस इज़ द रियलिटी। आपको क्या लग रहा है, जो न्यूजीलैंड आज इतना तगड़ा खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ उनको बाहर होना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। वो इतना अच्छा खेल रहा है, उनको ही ऊपर आना चाहिए। और अगेन एट द एंड ऑफ द डे, एट एंड ऑफ अ डे बिफोर सेमीफाइनल एक्चुअली, हमने ये देखना है कि कौन सी टीमें सबसे अच्छा खेली हैं, जो चार टीमें हैं तो उनको आना चाहिए। अगर पाकिस्तान इस तरह से अच्छा खेल के आ सकता है तो ऑफकोर्स हमसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है, बट टेक्निकली स्पीकिंग और अब तक के खेल को देख के बहुत मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में कहीं पर नजर आए। मगर मैथमेटिकली क्या बन रहा है, और जो लोग कंपेरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान का सिर्फ न्यूजीलैंड के साथ, वो गलत कर रहे हैं। उनको बाकी टीमें भी देखनी है, इग्नोर किसी को नहीं करना, क्योंकि चैप्टर सबके लिए ऑन है, पाकिस्तान के लिए खाली नहीं है। तो ये मेरी राय थी और ये मेरी तरफ से कैलकुलेशन थी। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के कितने चांसेस हैं और किस तरह से मजीद कैसे क्या हो और पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचे, कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।